नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। दोस्तों, आप लोगों ने गौतम बुद्ध का नाम तो जरूर सुना है, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत उनके जीवन, कर्म और धर्म के बारे में जरूर आइडिया होगा। इस वीडियो में उनकी जीवनी के ऊपर पूरी बात करना तो संभव नहीं है, पर हम उनके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाना चाहते हैं जो काफी इंस्पिरेशनल है। इस घटना से कुछ सीखकर हम भी अपने जीवन की वास्तविकता को समझ पाएंगे और अपनी सोच को साफ रूप दे पाएंगे। दोस्तों, राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी पसंद की राजकुमारी मिल गई थी, शादी भी हो गई, सब ठीक चल रहा था, पर अचानक जीवन की एक घटना ने उन्हें सोचने में मजबूर कर दिया। राजपाट और पत्नी सुख को पल भर में छोड़ने के लिए वैराग्य से भर दिया। एक दिन उनके सामने से किसी की अर्थी जा रही थी, लोग रो रहे थे, मातम मचा हुआ था। इस दृश्य ने उन्हें दुखी कर दिया और मन में शुरू हुआ मंथन। मन में शुरू हुआ मंथन, क्या मौत ही जिंदगी की मंजिल है? जिंदगी में सुख के भीतर दुख जमा हुआ है। शरीर बीमारी का घर है, दुखों का कारण क्या है? दुखों से मुक्ति कैसे हो? दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के बीच में उन्हें ऐसा लगा कि सभी दुखों का कारण कामना और वासना है। ज्ञान से कामना और वासना का नाश होगा और निर्वाण प्राप्त होगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने सब छोड़ दिया और सत्य की प्राप्ति के लिए जंगल जंगल, जंगल जंगल, पर्वत पर्वत भटकते गए। एक दिन गया में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने ज्ञान और बुद्धत्व को प्राप्त किया। सिद्धार्थ से उनका नाम हो गया भगवान बुद्ध। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद वे सत्य और धर्म का संदेश सुनाते गए, उनके शिष्य बढ़ते गए। एक दिन उनका सामना हुआ आम्रपाली नाम की सुंदर वैश्या से, जिसने बुद्ध को अपने प्रेम का प्रस्ताव दिया। आम्रपाली एक राज नर्तकी थी और साथ में शक्तिशाली पुरुषों का आकर्षण भी थी। आम्रपाली बुद्ध को पहले से सिद्धार्थ के रूप में जानती थी। आम्रपाली ने कहा, सिद्धार्थ, मैं आम्रपाली मगध राज्य के वैशाली नगर की नगर वधु हूँ। वैशाली के राजा ने मुझे एक राजमहल दिया है जिसमें मैं रहती हूँ। मेरी इच्छा के बिना मेरे कक्ष में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे रूप से प्रभावित हूँ, तुम मेरे संग चलो, तुम्हें साधना के लिए भी अवसर मिलेगा और मुझे सानिध्य भी। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें मेरा सानिध्य नहीं चाहिए, तुम मुझे वशीभूत करना चाहती हो। तुम्हें कोई राजमहल नहीं मिला है, बल्कि तुम राजमहल में रहने वाली, पुरुषों को संतुष्ट करने वाली एक दासी हो। अपने को याद करो, आम्र के कोमल पत्ते में तुम पाई गई थी, इसलिए तुम्हारा नाम आम्रपाली है। तुम आज भी आम्र के समान पवित्र हो। अपने मूल स्वरूप को याद करो, अपने मूल स्वरूप को याद करो। आम्रपाली ने नीचे झुकते हुए कहा, हे सिद्धार्थ, तुम मेरी पीड़ा को कैसे समझ गए? वैसा ने आंखें बंद की और बुद्ध तान छोड़कर चलने लगे। बुद्ध ने अपनी अनमोल वाणी से उस वैश्या के जीवन की कहानी को बदल कर रख दिया। उसने बुद्ध की सीख को जीवन में उतार कर नए जीवन की शुरुआत की। एक दिन फिर से आम्रपाली अपने पुत्र के साथ बुद्ध के आश्रम में बुद्ध का उपदेश सुनने आई। बुद्ध ने मार्गदर्शन दिया। आम्रपाली के साथ आए हुए एक राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर स्त्री के सामने बुद्ध का इतना सहज व्यवहार, शुद्ध व्यवहार, निर्वासनिक व्यवहार कैसे संभव है। बुद्ध ने समझाया, एक सुंदर स्त्री और असुंदर स्त्री, दोनों का शरीर पंचभूतों से बना है। पंचभूतों को अलग अलग करने से सुंदर असुंदर शरीर दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है।
वास्तविक में प्रकृति की हर वस्तु सुंदर ही है। ये जंगल, बांस, पेड़, बारिश की बूंदें आदि हर चीजों में अद्भुत सौंदर्य छुपा है। हमें उस सौंदर्य से मोहित नहीं होना है, बल्कि अपने आत्मा के सौंदर्य को याद करना है, जिसके कारण हम सौंदर्य को देख पाते हैं। उसके बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी सौंदर्य को नहीं देख सकता। इस बात को सुनकर बुद्ध भिक्षुक लोग गदगद होने लगे और उपस्थित राजा ने बुद्ध के सानिध्य में जीवन को अर्पित करने की इच्छा जताई। दोस्तों, बुद्ध के इस प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है, बार बार ध्यान और योग अभ्यास से जिसने बुद्ध की तरह अपने मन को जीत लिया है, चाहे वो घर में रहे या किसी आश्रम में, उसे कभी किसी चीज का, किसी व्यक्ति का आकर्षण विचलित नहीं कर सकता, बल्कि वस्तुएं, व्यक्ति बुद्ध व्यक्ति की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इतना होने के बाद भी बुद्ध व्यक्ति अर्थात ज्ञानी व्यक्ति अपने आप पर अभिमान नहीं करता है, बल्कि प्रकृति और मानवता का सम्मान करता है। आइए बुद्ध ध्यान एक्सपेरिमेंट करके अपनी योगिक जीवन शैली के हौसले को और भी मजबूत करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम विशेष मार्गदर्शन करेंगे। देखते जाएं और अपने आप में खोते जाएं। मुझ में ज्ञान की असीम संभावनाएं छुपी हुई है। मैं ज्ञान की असीम संभावनाओं को जगा रहा हूं। ज्ञान की असीम संभावनाएं जगने का दिन बहुत नजदीक है। मुझे किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है, नहीं हटना है। मेरे भीतर मेरा ही रूप मुझे कई बार पराजित करता है, उसे मारा कहते हैं। मारा ने ही कामना, वासना और इच्छाओं को जन्म दिया है। कामना, वासना और इच्छा मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं अपने लक्ष्य के प्रति अपने ध्यान में डूब रहा हूं। अपनी आत्मा हमेशा अटल है, स्थिर है, परम शांत है और ज्ञान स्वरूप है। मुझे भ्रमित करने वाला मारा पराजित हो रहा है। साथ में कामना, वासना और इच्छा मुझसे दूर भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। इस तरह धारणा करके शांत हो जाएं। बस 5 मिनट के लिए शांत हो जाएं और अगले निर्देश का इंतजार करें।
कृपया जीवन में हर व्यवहार को करते हुए सिर्फ एक बात याद रखें जो आपको हमेशा असीम शक्ति देती रहेगी। हमेशा याद रखें, ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। आवश्यक सूचना, जो लोग वीरनाश से बचना चाहते हैं और ब्रह्मचर्य में पावरफुल बनना चाहते हैं, वे मंथन हब के प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन करें। दूसरा, मंथन हब का प्रीमियम ब्रेन रिवायर ऑडियो सेशन का जरूर लाभ लें। दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है।